फुलवारी शरीफ के ईसापुर में एनपीआर सीसीए एनआरसी के खिलाफ धरने के सातवें दिन राजद से आरा के विधायक अनवर आलम और समस्तीपुर के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन और सीपीएम की पूर्व सांसद सुभाषनी अली, सातवें समाज सेवी एवं एआईएमआईएम के मोहम्मद सोनू धरना स्थल पर पहुंचे। मोहम्मद ग्यासुद्दीन की रिपोर्ट। संगठन के जुड़े हुए साथी लोगों, आज का दिन सचमुच में बहुत ही विस्तार से भाई महताब साहब ने अपने इस आंदोलन की जो है, किस लिए आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, सबको कहने का हक है, सबको बोलने का हक है, चाहे अपना कहिए हाथ कहिए, ये आपका मर्जी है। चलिए, ये कोटेशन नहीं कह रहा है। प्रजातंत्र में प्रजा को लूटे ये कैसी सरकार है, लाठी गोली ईश्वर अल्लाह ये किसके हथियार है, प्रजातंत्र में प्रजा को लूटे ये कैसी सरकार है, लाठी गोली ईश्वर अल्लाह ये किसके है। इस पे केस ऐसे करने के प्रोटेस्ट है, इसका अगर कोशिश कर रहा है एहतजाज करने पे तो कोई कानूनी कार्रवाई होने नहीं। तो उन्होंने बोला बोलिए कि फोन करके माफी मांग ले, तो इन्होंने बोला कि भाई माफी मांग लो, हम बोला सावरकर है जो माफी मांग लेंगे, माफी नहीं मांगेंगे। और मैं आप लोगों के बीच में इस बात को बार बार बोलना चाहिए, कोशिश कर रहा हूँ, ये जो काला कानून है ना, वो बहुत ही संजीदा है, इसको आप बहुत टिपिकल अंदाज से समझने की कोशिश कीजिए। वो प्यारा प्यारा हम सब लोगों का, ये तेरा मेरा बड़े सबसे प्यारा, आजाद हमारा आबाद हमारा, ये जान से प्यारा प्रोटेस्ट करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं झुकेगा, ये टका रहेगा, वो गांधी वाला, वो नेहरू वाला, आजाद वाला, अंबेडकर वाला, भगत सिंह वाला, गांधी वाला, किसमिस पाक वाला, महिलाओं ने बोला तो कुछ भी बोलो, तो हर बच्चे बोलो, हर घर से बोलो, किसानों वाला, जेएनयू वाला, वाला पटना यूनिवर्सिटी। देश आज संकट में आया है, हमारा देश, हमारा संविधान संकट में आया है, तो आप लोग उसे बचाने के लिए घर से बाहर कदम निकाला है, इसके लिए आप तमाम लोगों को बहुत मुबारकबाद देते हैं। और मुबारकबाद इस देश में जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन का नींव औरतों ने रखा है। शाहीन बाग में जिस तरह से औरतें सड़क पे उतरी इस काले कानून के खिलाफ, देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, तो शाहीन बाग के आंदोलन की शुरुआत ही की आज पूरे देश में आंदोलन खड़ा हुआ। और इनसे जीत लो धरती दाती सागर तुम्हारा चैन से रहना दो, हर बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को, हर बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को, मंदिर मस्जिद गिरजा घर में मंदिर मस्जिद गिरजा घर में चाटनिया भगवान को, सर हर बाटी सागर। शाहीन बाग एक आइडल बन के उभरा, वहाँ की महिलाओं ने, वहाँ की दादियों ने जिस तरह से शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन किया, जिस तरह से बैठने का काम किया, जिस तरह से इस्तकामत अपनी कुर्बानियां दी, उस एंगल को देख के, उस चीजों से मुझे देश की महिलाओं ने, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक और सारे सोशलिस्ट महिलाओं ने इस बात को ठान लिया कि हर जगह को शाहीन बाग बनाएंगे, और ईसापुर को भी शाहीन बाग आप लोगों ने बनाकर दिखला दिया। लेकिन